हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लीरी ब्रिटेन। इन अ सीरीज ऑफ नो द इंस्टीट्यूट, आज हम जिस इंस्टीट्यूट के बारे में जानेंगे वो है सेंट स्टीफन हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। और जिस कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम आज, वो है जीएनएम कोर्स। सेंट स्टीफन में जीएनएम के अलावा बीएससी नर्सिंग भी होती है, तो उसको हम देखेंगे करेक्ट वीडियो में। आज हम जो जानेंगे वो जानेंगे हम जीएनएम कोर्स के बारे में कि वहां पर एडमिशन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, सिलेक्शन कैसे होता है, फीस कितनी होती है और बाकी सब चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो The institute for the today is Saint Stephen Hospital College of Nursing, जो कि 30,000 में है। अगर हम हॉस्पिटल की हिस्ट्री देखें तो जो हॉस्पिटल है, it was started in year 1885 में स्टार्ट हुआ था ये। The course is affiliated to the Guru Gobind Singh Indraprastha University, जो IP University है। IP University से course है affiliated है, and it is also affiliated with the Indian Nursing Council and the Delhi Nursing Council। और जो total intake है वो है 50 students per year। जो बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग में भी जो टोटल सीट्स है वो 50 हैं। इसके अलावा जो जीएनएम कोर्स है, जीएनएम कोर्स में जो टोटल इंटेक रहता है, टोटल इंटेक है 50 सीट्स का। इसके अलावा यहाँ पर जो रिजर्वेशन है, द रिजर्वेशन ऑफ सीट इज फॉर द क्रिश्चियन माइनॉरिटी। तो जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी है उनके लिए इस कॉलेज में रिजर्वेशन है। 50% सीट जो है वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए रिजर्व है। जो मीडियम रहेगा इंस्ट्रक्शन का वो रहेगा इंग्लिश। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है कॉलेज में एडमिशन के लिए, सो इट इज ओनली फॉर द अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट। और एज होनी चाहिए इट इज एटलीस्ट 70 इयर्स एंड बिलो 25 इयर्स ऑफ एज। 17 साल से 25 साल तक के बीच की एज होनी चाहिए। इसके अलावा जब पूरा एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाता है तो एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, द कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली। अगर हम बात करें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होने चाहिए, तो जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो से भी देखा है जहां पर हमने जीएनएम कोर्स के बारे में बताया था कि जीएनएम कोर्स को तीनों स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं। और इसमें जो 10+2 है उसमें 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। और जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है कि किन किन सब्जेक्ट को पास किया होना चाहिए वो आप देख सकते हैं। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, ये जो सारे सब्जेक्ट हैं, ये सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं फॉर द एडमिशन इन द जीएनएम कोर्स। इसके अलावा इंग्लिश जो है इट इज कंपल्सरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। नेक्स्ट आता है अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म है, फॉर्म की डेट आउट होती है। और जो फॉर्म है इसके, वो जो कॉलेज की वेबसाइट है, दैट इज www.saintstephenhospital.org, इस साइट पे जाके आप जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। और जो फॉर्म निकलने की डेट है, वो फॉर्म निकलने की डेट होती है जुलाई से अगस्त के बीच में फॉर्म निकलते हैं इसके, तो आप इस टाइम पे इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म कब निकले हैं इसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। सो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से सबमिट कर दे होंगे, एक तो सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ द 10th क्लास सर्टिफिकेट फॉर द डेट ऑफ बर्थ, और उसका जो साइज होना चाहिए 500 KB के बीच में होना चाहिए। जो रिसाइजिंग है, रिसाइजिंग आप पहले से ही करके रख लेना ताकि जो अपलोड है उसमें कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो 12th क्लास की मार्कशीट है उसकी सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी, जो कि 500 KB की कम होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप क्रिश्चियन हैं तो उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो सारे ले जाने पड़ेंगे। इसके अलावा 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो 2 फोटोग्राफ है वो आपको वहां पर ले जानी पड़ेगी। इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उन सबकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ले जानी पड़ेगी आपको, जो कि सबमिट होगी कॉलेज में। और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग वो कौन कौन से चाहिए होंगे वो आप देख सकते हैं लिस्ट की। 10th क्लास का सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th क्लास का सर्टिफिकेट मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एक एड्रेस प्रूफ, इसके अलावा कुछ एफिडेविट चाहिए होंगे आपको, सारी चीजें आपको ले जानी पड़ेंगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये पढ़ सकते हैं डिटेल में। इसके अलावा अगर आपका कोई गैप ईयर है तो गैप ईयर का एक सर्टिफिकेट लगेगा आपको। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए क्या रहता है कि आपका रिटर्न टेस्ट होगा, इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे। और जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इसे रिलेटेड एक टेस्ट होगा। और उस टेस्ट के बेस पे जो सिलेक्शन है वो होगा। सो आप पढ़ सकते हैं, एडमिशन रिटर्न टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस। जो रिजल्ट है आपको वो कॉलेज की वेबसाइट जो है जो ऊपर बताई थी आपको वहां से मिल जाएगा, saintstephenhospital.org। इसके अलावा एडमिशन के टाइम पे एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा जिसकी जो फीस है वो है 3800 रुपीज, और ये कैंडिडेट को पे करनी होगी। जो एडमिशन प्रोसीजर है उसमें स्टेप्स क्या क्या रहेंगे आप देख सकते हैं।
एडमिशन रिटर्न टेस्ट रहेगा, उसके बाद इंटरव्यू या काउंसलिंग कह सकते हैं आपसे, मेडिकल चेकअप, फीस पेमेंट, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर कोई सीट बचती है तो चीजें सेकंड राउंड में जाएंगी और वही सारी चीजें दोबारा से की जाएंगी। मेडिकल फैसिलिटी टू स्टूडेंट्स या पढ़ सकते हैं, जो भी हॉस्पिटल का चार्ज होगा उसे 30% डिस्काउंट पे आपको चीजें मिलेंगी वहां पर, जो भी मेडिकल चार्जेस वगैरह होंगे। नॉर्मल जो पब्लिक होती है उसे 30% डिस्काउंट पे मिलेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन, अकेडमी रिक्वायरमेंट, हिसाब आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, तो ये जो प्रस्पेक्टस आपको वहां पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अटेंडेंस जो होनी चाहिए कॉलेज में आपकी, वो एटलीस्ट 80% होनी चाहिए। बाकी क्लिनिकल एरिया पोस्टिंग्स, ड्रेस कोड, हॉस्टल एकोमोडेशन, ये सब चीजें जो है वीडियो पॉज करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। लीव के लिए क्या क्या रूल रहेंगे वो सब चीजें आप देख सकते हैं इसमें। अटेंडेंस का आपको बता दिया है कि अटेंडेंस जो है वो 80% होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि है फीस डिटेल्स, कि फीस कितनी कितनी है। सो टोटल जो कोर्स है वो 3 ईयर का कोर्स है, और 3 ईयर के कोर्स के लिए फीस है वो आप देख सकते हैं। सो हम आते हैं टोटल फीस पे। तो टोटल फीस जो है इट इज 2,16,800 फॉर द फर्स्ट ईयर, 1,16,800 फॉर द सेकेंड ईयर, एंड 86,800 फॉर द थर्ड ईयर। तो ये टोटल फीस है। इसके अलावा जो मेस चार्जेस हैं, इट हैज टू बी पेड एक्स्ट्रा, क्योंकि हॉस्टल में रहना पड़ेगा, उसके लिए जो मेस चार्जेस हैं, मेस चार्जेस 3,500 रुपीज पर मंथ है, और ये टाइम टू टाइम जो है रिवाइज होते रहते हैं। इसमें 5,000 रुपए का एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि रिफंडेबल है, जब आप कोर्स खत्म कर लेंगे उसके बाद ये जो अमाउंट है ये रिफंड हो जाएगा। एंड इट इज एक्स्ट्रा, जो अपने ऊपर फीस देखी है उनसे ये एक्स्ट्रा है। सो टोटल जो फीस पे करनी पड़ेगी आपको पूरे कोर्स के लिए वो है 4,25,400 रुपीज। ये टोटल फीस है फॉर द एंटायर कोर्स, एंड इट एक्सक्लूड द मेस चार्जेस। मेस चार्जेस जो है वो अलग से पे करने पड़ेंगे आपको। फीस जो है आपको 3 इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन 2,16,800 रुपीज पे करने हैं, प्लस जो 5,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो अलग से पे करना है। इसके अलावा फर्स्ट ईयर के बाद जो फीस पे करनी है आपको वह है 1,16,800, और सेकेंड ईयर के बाद आपको जो फीस पे करनी है वो है 86,800। तो टोटल फीस इस तरह से हो जाती है 4,25,400। ये है टोटल फीस दैट हैज टू बी पेड फॉर द एंटायर कोर्स। जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, एंड इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। जैसे देख सकते हैं आप, इन केस स्टूडेंट अप्लाई फॉर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द कोर्स विद इन 1 वीक ऑफ द स्टार्ट ऑफ द कोर्स, द फीस और चार्जेस पेड बाई हर शैल बी रिफंडेड एक्सेप्ट द एडमिशन फीस एंड द प्रोपोर्शनेट हॉस्टल एंड मेस चार्जेस फॉर द पीरियड ऑफ द अवेल्ड फैसिलिटीज। मीन्स अगर आप एडमिशन लेने के फर्स्ट वीक में अपना एडमिशन विड्रॉ करते हैं तो आपको जो ट्यूशन फीस है वापस नहीं मिलेगी, जो कि 75,000 थी, और बाकी सब जो चीजें हैं वो आपको रिफंड हो जाएंगी। अगर आपने हॉस्टल लिया है तो जितने टाइम के लिए आप हॉस्टल में रहे हैं वो फीस आपको रिफंड नहीं होगी, वो देनी पड़ेगी आपको। इसके अलावा अगर आप डिसकंटिन्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं आफ्टर 1 वीक एंड विद इन 1 मंथ ऑफ द स्टार्ट ऑफ द कोर्स, मीन्स 1 हफ्ते के बाद और 1 महीने के अंडर अंडर अगर आप अप्लाई करते हैं, तो उस केस के लिए नो रिफंड ऑफ द फीस एंड चार्ज पेड बाय द स्टूडेंट शैल बी गिवन। तो उस केस में जो रिफंड है कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसके अलावा इफ द स्टूडेंट अप्लाई फॉर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द कोर्स आफ्टर 1 मंथ, अगर आप 1 महीने के बाद कोर्स को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो उस केस में आपको कोई भी फीस रिफंड नहीं होगी। मोर देन दैट, ए पेनल्टी ऑफ ₹1,00,000 विल बी अप्लाइड। सो आप पहले से ही फुल डिसाइड करके रखना कि क्या करना है। इसके अलावा अगर स्टूडेंट को एक्सपेल किया जाता है फ्रॉम द कोर्स, तो टोटल कोर्स की जो फीस है पे करनी पड़ेगी विद ए पेनल्टी ऑफ ₹1,00,000। मीन्स जो पॉइंट नंबर 3rd है और पॉइंट नंबर 4th है, अगर स्टूडेंट कोर्स छोड़ता है या उसे निकाला जाता है तो टोटल फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी, प्लस साथ में जो ₹1,00,000 की पेनल्टी है वो और लगेगी। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन फीस होती है वो सब चीजें आपको एग्जाम के टाइम पे अलग अलग पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा पेमेंट ऑफ यूनिफॉर्म और पेमेंट फॉर द फील्ड एक्सपीरियंस, ये सब चीजें जो है वो अलग अलग लगेंगी। तो अगर हम समराइज करें फॉर द GNM कोर्स एट द सेंट स्टीफन हॉस्पिटल, तो इसमें टोटल सीट्स हैं 50, और एंट्रेंस होता है इसके लिए जिसमें MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसके बेस पे जो एडमिशन है वो होता है। अगर हम बात करें फीस की, तो टोटल फीस जो है वो 4,25,000 रुपीज फीस है इसकी फॉर द एंटायर कोर्स। इसमें मेस चार्जेस वगैरह वो एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। जो मेस चार्जेस हैं वो है 3,500 रुपीज पर मंथ, हर महीने आपको 3,500 रुपए मेस चार्जेस के लिए देने पड़ेंगे।
इसके अलावा जो अदर फीस है फ्रॉम टाइम टू टाइम वो अलग से चार्ज की जाएगी। मोटा मोटा जो है फीस वो इतना है। सो मेन बातें ध्यान रखनी है, फॉर्म निकलने की जो डेट है वो निकलते हैं फॉर्म जुलाई और अगस्त के बीच में, एंड ऑफ जुलाई एंड स्टार्टिंग ऑफ अगस्त, इस टाइम पे फॉर्म निकलते हैं। सो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस टाइम पे अपनी नजर बनाए रखें कॉलेज की वेबसाइट पे, जो फॉर्म फिलिंग है वो कॉलेज की वेबसाइट पे होती है, बाकी वीडियो के थ्रू भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दिस इज अबाउट द जेएनएम कोर्स एट द सेंट स्टीफन हॉस्पिटल। होप यू लाइक द वीडियो, इफ सो देन शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।